मोदी सरकार ने ये तो वादा कर दिया है कि जो 3 नए कृषि कानून लाए गए थे सरकार उन्हें वापस ले रही है, लेकिन पिछले 1 साल से धरने पर बैठे किसान इन कानूनों की वापसी के साथ साथ लगातार एक मांग करते आए हैं कि उन्हें उनकी फसलों पर MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। इस वीडियो में मैं सर्वप्रिया सांगवान आपको बताऊंगी MSP से जुड़ी सभी जानकारी और साथ ही ये कि आखिर सरकार के लिए इस मांग को मानने में हर्ज क्या है। पहला सवाल कि MSP क्या है और इसकी क्या जरूरत है। किसानों के हित के लिए MSP की व्यवस्था सालों से चल रही है। केंद्र सरकार फसलों की एक मिनिमम कीमत तय करती है, इसे ही MSP कहते हैं। मान लीजिए अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है तब भी केंद्र सरकार इस MSP पर ही किसानों से फसल खरीदती है ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। उनके लिए ये एक सोशल सिक्योरिटी है। 60 के दशक में सरकार ने अन्न की कमी से बचने के लिए सबसे पहले गेहूं पर MSP देना शुरू किया ताकि सरकार किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी PDS योजना के तहत गरीबों को बांट सके। MSP को लेकर किसानों में डर क्या है? वैसे तो MSP तय होती है इस बेसिस पर कि किसानों को उनकी लागत का 50% रिटर्न मिल जाए, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। कई जगह तो किसानों को MSP से कम कीमत पर भी फसल बेचनी पड़ती है और जब इसको लेकर कोई कानून ही नहीं है तो फिर किस अदालत में जाकर अपना हक मांगा जाए। सरकार चाहे तो MSP कभी भी रोक सकती है क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं, और यही डर किसानों को है। अब तक MSP का कितना लाभ किसानों को मिलता है? हर फसल पर केंद्र सरकार MSP नहीं देती है, सिर्फ 23 फसलें ही हैं जिन पर MSP तय होता है। कृषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस ये MSP तय करता है। अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक तो 6% किसानों को ही MSP का लाभ मिल पाया है। बिहार में तो MSP से खरीद भी नहीं की जाती, वहाँ राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी पैक्स का गठन किया था जो किसानों से अनाज खरीदती है, लेकिन किसानों की शिकायत है कि वहाँ पैक्स बहुत कम खरीद करती है, देर से करती है और ज़्यादातर उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। तो किस किस फसल पर MSP मिलता है? इसमें 7 अनाज वाली फसलें हैं, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ। इसमें 5 दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। इसमें 7 ऑयल सीड्स हैं, मूंग, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, नाइजर या काला तिल और कुसुम। इसमें 4 और फसलें शामिल हैं, गन्ना, कपास, जूट, गरी या कोबरा। इनमें से सिर्फ गन्ना ही है जिस पर कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक आदेश के मुताबिक गन्ने पर उचित और लाभकारी मूल्य देना जरूरी है। तो MSP को लेकर किसानों की मांग क्या है? सरकार MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे और MSP पर सरकारी खरीद लागू करे, साथ ही दूसरी फसलों को भी MSP के दायरे में लाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि MSP की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, तो फिर किसान ये बात मान क्यों नहीं लेते? किसान संगठन चाहते हैं कि उन्हें ये बात कानून बनाकर लिखित में दी जाए। सरकार के लिए MSP कितनी भारी पड़ती है? ये जो 23 फसलें हैं ये तो भारत के कृषि उत्पाद का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही हैं। मछली पालन, पशुपालन, सब्जियां, फल वगैरह तो MSP के दायरे में शामिल ही नहीं है। अगर इन 23 फसलों के सरकारी आंकड़े देखे जाए तो साल 2019-20 में सभी को मिलाकर 10.78 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन रहा होगा, लेकिन ये सारी फसल बेचने के लिए भी नहीं होती। किसानों को अपने घरों के लिए भी चाहिए होती है, कुछ पशुओं के लिए भी चाहिए होती है, तो बाजार में बिकने के लिए इन सब फसलों का हिस्सा भी अलग होता है। जैसे 50% रागी का होगा तो 90% दालों का होगा, गेहूँ 75% होगा। तो अगर एवरेज 75% भी ले सभी का तो ये हुआ 8-9 लाख करोड़ रुपए के बीच की फसल जो बिकने के लिए बाजार में आएगी। तो क्या इतना रुपया सरकार को लगाना होगा अगर उसे किसानों को MSP की गारंटी देनी है? तो नहीं। इन 23 में से गन्ने को तो आप निकाल ही दीजिए क्योंकि वो पैसा सरकार को नहीं देना, वो देना है शुगर मिलों को। सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए पहले ही कुछ फसलों को खरीद ही रही थी जिसकी कुल कीमत 2019-20 में 2.7 लाख करोड़ रुपए थी। सरकारी एजेंसियों को बाजार की सारी फसल खरीदने की जरूरत होती भी नहीं क्योंकि अगर सरकार कुल उत्पादन का 1/3 या 1/4 भी खरीद ले तो बाजार में कीमत अपने आप ऊपर आ ही जाती है, तो किसान अपनी फसल उस कीमत पर बाहर बेच ही देते हैं। सरकार भी जो खरीदती है उसे भी बेचती है, हालांकि बहुत सब्सिडाइज्ड होता है वो। लेकिन इस सबको देखें तो सरकार को एक खरीद हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की पड़ती है। सरकार किस तरह से किसानों को MSP का लाभ दे सकती है? पहला, सरकार प्राइवेट कंपनियों पर ही इसके लिए दबाव बना सकती है कि वे फसलों को MSP पर खरीदें, जैसा मैंने पहले बताया कि गन्ने के लिए ऐसा होता ही है। दूसरा, सरकार अपनी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए MSP पर किसानों से फसल खरीदे। तीसरा, जितना घाटा हो वो सरकार किसानों को दे दे, ना वो खुद खरीदे और ना प्राइवेट कंपनियों को फोर्स करे कि खरीदो,
जो भी इस वक्त मार्केट प्राइस है उस पर किसानों को फसल बेचने दे और उसमें एमएसपी और बाजार की कीमत में जो अंतर रह जाता है वो सरकार किसानों को दे दे। वैसे भी किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चल ही रही हैं, तो सवाल ये है कि सरकार ये गारंटी लिख कर देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार कानून में जोड़ भी दे तो आखिर कानून का पालन किया कैसे जाएगा। एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी फसल की तय क्वालिटी होगी तो ही उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर ठीक बैठती है या नहीं, इसे तय कैसे किया जाएगा। जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उसका क्या होगा। ऐसी सूरत में सरकार कानून में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना मुश्किल होगा। अगर बाकी फसलों को भी एमएसपी की गारंटी में शामिल कर लिया तो फिर उसका बजट भी सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करना चाहिए। सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है। यही डर किसानों को सता रहा है कि आने वाले दिनों में ये खरीद कम होने वाली है। भविष्य में सरकारें कम खरीदेंगी तो जाहिर है कि किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वो एमएसपी से कम पर खरीदे ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। सरकार के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है जिससे वो एमएसपी पर पूरी फसल खरीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सके। जानकार कहते हैं कि सरकार इस पूरे मसले को बायलेटरल रखना चाहती है। अगर कानून में एमएसपी का प्रावधान जोड़ दिया तो इससे जुड़े हर मुकदमे में तीन पक्ष शामिल होंगे, एक सरकार, एक किसान और तीसरा निजी कंपनी, और वहां सरकार को दिक्कत होगी।